कोरोना को किस तरीके से उपयोग करने का प्रयास किया, यह यहां पर भली भांति दिखता है। और मैं वहां जनसभा कर सकता था, लेकिन मैंने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए और मैंने सोचा कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात को कहूंगा, और इसलिए आपको ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन मी फॉर द मीडिया ब्रीफिंग एंड यू हैव कम। आई मस्ट थैंक ऑल ऑफ यू। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, केसीआर के नेतृत्व में चलने वाली सरकार गैर प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है। इट इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच इज फंक्शनिंग। इट इज द लास्ट टू डेज व्हाट एवर हैज हैपेंड, इट इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये प्रजातंत्र की हत्या है जो पिछले दो दिनों में घटनाएं घटी हैं, और एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है, तानाशाही है, और यह सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई डायनेस्टिक रूल यहां पर चल रहा है, परिवारवाद चल रहा है, वंशवाद चल रहा है, जिसकी सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी और अंतिम समय तक लड़ेगी, जब तक कि हम इस वंशवाद की सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को, एंटी डेमोक्रेटिक सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते हैं प्रजातांत्रिक तरीके से, तब तक ही हम लड़ाई लड़ेंगे। अब मैं बात करता हूं जो संजय बंडी जी के साथ हुआ। सबसे पहले आप सब लोग घटना जानते हैं, ये जो जियो ऑर्डर है 317, ये एंटी इंप्लॉय है, ये एंटी पीपल है, और बीइंग इन ऑपोजिशन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय अवर पार्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ द इंप्लॉयज एंड फाइट फॉर द कॉज ऑफ पीपल। हम विपक्ष के होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम जनता की और कर्मचारियों की लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक लड़ें, और टीचर्स की, इंप्लॉयज यानी टीचर्स भी, बाकी लोगों के साथ भी जो ये जियो ऑर्डर इंप्लीमेंट होता है। अब शांतिप्रिय ढंग से हम अपनी वॉइस को रख रहे थे। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कोरोना, वैसे इनके मिनिस्टर्स हर जगह जनसभाएं भी कर रहे हैं और रैलियां भी कर रहे हैं और तो और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उन सब के लिए इनको छूट है, लेकिन ये जब बात